दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फैंटेसी दूरदर्शन ऑफिशियल के ऊपर मैं आपका भाई संदीप हाजिर हूं लेकर आपकी खिदमत में इंड्रेसिटिन का मैच नंबर बावन जो कि वन साइड खेला जा सकता है और ये मुकाबला एल बी टैगर वर्स बर्लिन क्रिकेट क्लब के बीच में खेला जाएगा एल बी टीम इस श्रृंखला की सबसे ज़्यादा कमजोर टीम आ जाती है जितना मुकाबला खेला अब तक लॉस किया जिसके चलते बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस के साथ आपको खेलती नजर आएगी बर्लिन का परफॉर्मेंस हमें एवरेज देखने को मिला है और आज के मुकाबला में अगर बर्लिन की टीम डिफेंड करने आती है तब भी वॉन करेगी अगर चेज करने आती है तो क्षमता है इनके पास अच्छे खासे बड़े टारगेट को चेज़ करने की मुकाबला वन साइड है तो गाइज़ आप टीम भी वन साइड टीम ही क्रिएट कीजिएगा ज़्यादा प्लेयर आप बर्लिन की अपनी टीम में रखिएगा क्योंकि अगर आप जितने प्लेयर बर्लिन के अपनी टीम में रखेंगे उतना ही सेफेस्ट खेल पाएंगे उतने ही आपके जो वेनिंग चांसेज हैं वो ज़्यादा रहेंगे मैदान के ऊपर बड़े साझेदारी देखने को मिल जाएगी मैदान क्योंकि बैटिंग को सपोर्ट करेगा तो टॉप ऑर्डर में खेलने वाले प्लेयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखेंगे पेसर डेथ में ओवर में जाकर ज़्यादा विक्टें निकालेंगे बस स्पिनर को भी आपको मिस नहीं करना है दो तीन विक्टें आसानी के साथ स्पिनर भी आपको निकालते नजर आएंगे तो जी में एस में ज़्यादा टीमें आपको विनिंग जो क्रिएट करनी है वो बर्लिन के पक्ष में क्रिएट करनी है कैप और बी के ऑप्शन भी आपको इस टीम के पास ही शानदार रहेगी तो बाकी की चीज़ें चलिए डीपली कन्फर्म करते हैं आपके साथ में बनाएंगे मैं लीड कर एक बढ़िया टीम एक अच्छी टीम तो लाइक के साथ जरूर आगे बढ़िएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए साथ में ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम के ऊपर लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है शुरुआत करें विकेट कीपिंग सेक्शन के साथ तो कटारी एक अच्छा विकल्प होगा लास्ट सेकंड लास्ट मुकाबले में 52 रन लगा कर आ रहे हैं तो अच्छी तेजी के साथ रन बना सकते हैं इनके बाद नंदा राम आपको खेलते नजर आएंगे नंदर राम को आप तभी ट्राई कीजिएगा अगर कम्फर्ट जोन से बाहर निकल कर खेलेंगे सफदार का जो बैटिंग ऑर्डर है थोड़ा सा लेट रहता है ऊपर खेलने आएंगे तो भाई मौका दे सकते हैं आप जी के लिए क्योंकि ओपोनेंट टीम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है आज बैटिंग के पक्ष से देखें तो हसन आज कम करेंगे तो थोड़ा सा आपको बैटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा बैटिंग के पक्ष से और वरना इसके पास लाल अच्छी विकल्प हैं वर्लिन की टीम के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं लास्ट में हाफ़ सेंचुरी कंप्लीट किया था एक अच्छा विकल्प होगा पटवारी जो कि कभी कभार हमें एक्स्ट्रा में बॉलिंग करते भी नज़र आते हैं आप गाइज किसी को ड्रॉप कर दीजिएगा पटवारी को अगर आप ड्रॉप कर कर खेलेंगे तो आपको बड़ा रिस्क रिस्कटाना पड़ जाएगा ओपनर टीम की तरफ से वन मैन आर्मी का रोल अक्सर अदा करते हैं इसरार मोस्ट डिमांडिंग प्ले रहेंगे ये तीनों गाइस ही सेफेस्ट ऑप्शन है अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क की टीम क्रिएट करेंगे उसमें ओदन को मौका दे सकते हैं वो भी तब अगर आप चार बल्लेबाज ट्राई करेंगे तीन ट्राई करना चाहते हैं तो ये तीनों विकल्प आपके पास बेहतरीन होंगे ऑलराउंडर सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज बड़े जो प्लेयर हैं वो आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे जैसे कि बेन को मैं ट्राई करेंगे इसके बाद गिल अच्छा विकल्प होगा जाफिर वन साइड आपको विनिंग कराते नज़र आ जाएंगे भाई वाशत हैं इसके ब्ला असलम हैं जी और की टीम टीमें आप पक्के होने चाहिए अगर आप पाँचों में से किसी एक को भी ड्रॉप करके खेलेंगे और आपका ओपोनेट उस प्लेयर को पिक कर लेगा तो वो आसानी के साथ वन साइड खेलेगा तो अगर आप पाँचों को पिक करते हैं आपका ओपोनेंट किसी एक को ड्रॉप करेगा तो ऐसे में आपको वन साइड खेलने का मौका मिल जाएगा बॉलिंग तो का बॉलिंग की बात करें बुखारी आज कंप्लीट करते नजर आएंगे इनके बाद इनको शेख रें क्योंकि मैं ज़्यादा वन साइड टीम नहीं क्रिएट करना चाहता एक बैलेंस लेकर चलेंगे इसके बाद केवसिन को मौका दे सकते हैं अगर आप वन साइड खेलने वाले हैं क्योंकि ये बॉलिंग के चलते आपको कंप्लीट करते नजर आएंगे उधर उसे इनको कैप मत ट्राई किया जाएगा टीम में आप जो ट्राई कर सकते हैं जे आपको थोड़े से महंगे साबित हो जाते हैं इनकी जगह पर आप टी लोगों को मौका दे सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन रहती है ज़्यादा बॉल ट्राई करने की क्रैड इशू नहीं है आज तो भाई आप बेफिक्र होकर सेफेस्ट ऑप्शन के साथ ही खेलेगा आज का मुकाबला आज का मुकाबला में कैप्टेंसी ऑप्शन के लिए विशेषतः एक अच्छा विकल्प होगा आपके पास वेन है अगर आप सेफेस्ट खेलना चाहते हैं तो ये ऑप्शन काफ़ी बढ़िया है आपके पास इसरार आपका काम करेंगे आसान जी में लाल को मौका दे सकते हैं रिसेंटली मैंने बोला था कंप्लीट किया है इन्होंने अपना हाफ सेंचुरी और पटवारी आपके लिए बढ़िया विकल्प होगा सेफेस्ट टीम के लिए तो बाकी की होंगी गाइज आपके लिए ट्राइबल पेक और जय होगा गाइज आज का हमारा फाइनली प्रडिक टीम अगर लाइनअप में बदलाव नहीं होते इसी प्रडिक्ट टीम के साथ हम खेलेंगे आज का मुकाबला अगर चेंजेस हो जाते हैं तो फाइनल टीम आपको फाइनली मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है जो टीम गाइज आपको देते हैं भाई हमेशा हम खुल लगाते हैं हारेंगे साथ में जीतेंगे भी साथ में